बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी का नेक्स्ट टॉपिक है, ड्वी एंड ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा वास्कुलर प्लांट्स भी कहलाते हैं। वास्कुलर टिश्यूज इनमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं। दीज आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट्स। ज़मीनी एनवायरनमेंट में चूंकि पानी बहुत डेप्थ से कैरी करना पड़ता है, इसलिए इनमें वास्कुलर टिश्यूज यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके अलावा खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए भी इनमें वास्कुलर टिश्यू यानी कि फ्लोएम मौजूद है। ये ज़मीनी एनवायरनमेंट का सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है। दे आर एबल टू अडेप्ट रफ लैंड हैबिटेट। ये ज़मीनी पूरे से पूरे हालात को भी फेस करने के काबिल होते हैं। रफ मीन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वाटर में चूंकि बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, पानी का जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन ज़मीन में एनवायरनमेंट बार बार तब्दील होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश है, कभी पानी नहीं है, तो लैंड हैबिटेट इस लिहाज से थोड़ा सा रफ है। फ्लावरिंग प्लांट्स डोमिनेटेड लैंड हैबिटेट। ड्वी एंड ट्रैक्योफाइटा में सबसे मॉडिफाइड प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इस वक्त फ्लावरिंग प्लांट्स पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लैंड हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं। इसमें रोज़ प्लांट्स, वीट, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, एंजियोस्पर्म्स जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। ड्वी एंड ट्रैक्योफाइटा के कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे जिनकी बेस पे ड्वी एंड ट्रैक्योफाइटा ड्वी एंड ब्रायोफाइटा की नस्बत ज़्यादा अडेप्टेड है लैंड एनवायरनमेंट में और ज़्यादा सक्सेसफुल है। दीज अडेप्टेशंस एनेबल द वास्कुलर प्लांट्स इन जनरल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली टू बिकम प्रीडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ लैंड। इस वक्त अगर हम ज़मीनी एनवायरनमेंट की बात करें तो हम जो भी प्लांट्स अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर देखते हैं वो ट्रैक्योफाइट्स ही हैं, और इनमें से भी हम ज़्यादा जो कॉमन प्लांट्स देखते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स फ्लावरिंग प्लांट को उन्होंने इस काबिल बनाया है कि वो इस ज़मीन में अब प्रीडोमिनेंट फ्लोरा बन गए हैं, यानी कि सबसे जो नुमाया है फ्लोरा वो बन गई हैं। प्लांट बॉडी, दे हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रूट का काम पानी को अब्सॉर्ब करना है, स्टेम का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और इस पर लीफ और फ्लावर फ्रूट वगैरह लगते हैं। लीव्स का काम फोटोसिंथेसिस करना है। द वास्कुलर सिस्टम्स, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम, रूट एंड लीफ। अब इनका जो वास्कुलर सिस्टम है वो इनके रूट, स्टेम, लीफ सब में मौजूद है, और ये वाटर सप्लाई का और फूड सप्लाई का काम करता है। जैसा कि हम साइड पे प्लांट बॉडी देख सकते हैं, इसमें रूट्स मौजूद हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर है, तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट की प्लांट बॉडी शो की गई है। द स्पोरेंजिया इज प्रोटेक्टेड, इट लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। इनकी जो स्पोरेंजिया है वो ब्रायोफाइट्स की स्पोरेंजिया की तरह नहीं है, बल्कि ये प्रोटेक्ट हुई हुई है। इसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स, लेयर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये सीड हैबिट इवॉल्व करने में कामयाब हो गए हैं। जबकि हम ब्रायोफाइट्स में जब बात कर रहे थे तो उनकी जो स्पोरेंजिया है उसके इर्द गिर्द कोई इंटेगुमेंट या वॉल्व मौजूद नहीं होती। फ्लावर एंड फ्रूट, इन प्लांट्स की एक खासियत ये भी है कि इनमें फल भी लगते हैं और इनमें फूल भी लगते हैं। पोलन ट्यूब, इनका एक और मॉडिफिकेटेड फंक्शन पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से बनती है। पोलन ग्रेन बेसिकली हम माइक्रोस्पोर को कहते हैं, यानी कि जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि होमोस्पोरस प्लांट्स हैं
जो एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं वो ट्रैकियोफाइट्स में पहुंचते पहुंचते दो तरह के स्पोर बनाने लग जाते हैं। एक स्पोर को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं जो कि मेल स्पोर होता है, और फीमेल स्पोर को हम मेगास्पोर कहते हैं जो कि ओव्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है। अब पोलन ट्यूब ने एक पाथवे है जिसके जरिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक सेफली पहुंचा दिया जाता है, और ये वाटर इंडिपेंडेंट है यानी कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर लैंड एनवायरनमेंट में रहना है तो उसके लिए वाटर कंडीशन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में बात की थी कि उन्हें अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रैकियोफाइट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें सिंपली पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाते हैं और सेफली ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द फीमेल गैमेट। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक फ्लावर का पोर्शन लिया गया है। सबसे पहले बाहर सेपल्स मौजूद हैं, ये ग्रीन कलर की होती हैं। यहाँ पे ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको थैलेमस बोलते हैं। इसके अलावा ये पेटल्स मौजूद हैं ब्लूइश कलर की, ये कलरफुल होती हैं। इसके बाद एंड्रोशियम या फिर जिन्हें हम कॉमनली स्टेमन कहते हैं ये मौजूद है इस, और इसके बाद लास्ट एंड फाइनली यहाँ पर एक कार्पल मौजूद है। इस कार्पल के बेजल पोर्शन को ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है। अब इस स्टेमन के ऊपर एंथर्स मौजूद होते हैं और नीचे वाले हिस्से को फिलामेंट कहते हैं। इन एंथर्स में माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं, और ये जब हवा चलती है तो या इंसेक्ट्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो ये इसके ऊपर गिर जाते हैं। उसके बाद यहाँ से ये पोलन ट्यूब बनाते हुए अपने स्पर्म्स को इसके ज़रिए मुंतकिल करते हैं इन द फीमेल गेमिटोफाइट, और यहाँ पर फीमेल गैमीट एग भी पड़ा होगा और उसमें यहाँ पर फ्यूजन होगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज हेट्रोमॉर्फिक। अब ट्रैकियोफाइटा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है। हेट्रो मीन डिफरेंट, मॉर्फिक मीन मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर या फॉर्म। इनमें स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ना स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट से मिल रहा होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर के हवाले से, ना गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट से मिल रहा होता है। अब हेट्रोमॉर्फिक हैं ये, और ये हम यहाँ हम देख सकते हैं कि गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर ही महदूद हो जाती हैं। यानी कि हम आम जुबान में ये वर्ड कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बाहर जितने भी प्लांट्स हमें नज़र आते हैं वो सारे स्पोरोफाइटिक जनरेशन उनमें प्रोमिनेंट है, और हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन को देख रहे होते हैं। इसके बाद ये डिवीजन ट्रैकियोफाइटा की हमारे पास कुछ सब डिवीजन्स हैं। ड्रीन ट्रैकियोफाइटा को हम फोर सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि डिवीजन ट्रैकियोफाइटा की फोर सब डिवीजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलोप्सिडा, जिसमें सिलोप्सिडा की हमारे पास यहाँ पर सिलोटम एक एग्जांपल दी गई है। इसके बाद लाइकोप्सिडा, यहाँ पे ये लाइकोपोडियम है जी। और इसके बाद स्फिनोप्सिडा, ये एक्विसेटम है। और टेरोप्सिडा, इसमें हमारे पास तीन क्लासेस मज़ीद आ जाती हैं जिसमें फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी शामिल हैं। और ये एक फर्न की डायग्राम यहाँ पर शो की गई है। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स और इसी ग्रुप में आ जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अब लीफ कैसे इवॉल्व हुए थे, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का पेपर में अक्सर रिपीट होता है। एवोल्यूशन ऑफ लीफ के हवाले से बात करें तो जो अर्ली वास्कुलर लैंड प्लांट्स थे इनमें ट्रू लीव्स और रूट्स मौजूद नहीं थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्टेम लीव्स और रूट की निस्बत पहले अडेप्ट हो गया था, पहले बन गया था, उसके बाद लीव्स और रूट्स बनी थी। प्लांट बॉडी, दे आर स्मॉल इन साइज, डायकोटोमसली ब्रांच्ड इरेक्ट स्मूथ एरियल पार्ट्स एंड इक्वली सबट्रेनियन एंकोरिंग एंड अब्सॉर्प्टिव राइजोम। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो अर्ली वास्कुलर प्लांट्स थे, यानी कि जो नए नए अभी ब्रायोफाइट्स से वास्कुलर प्लांट्स बने थे या ट्रैकियोफाइट्स बने थे, उनमें ट्रू लीव्स और रूट्स नहीं थी,
और उनकी प्लांट बॉडी साइज में छोटी थी, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हाइट्स नहीं थी, जैसे अब हम बाहर दरख्तों की या पौधों की हाइट्स देखते हैं वैसे उनकी हाइट्स नहीं थी, वो साइज में छोटे थे। एंड दे वर डायकोटोमसली ब्रांच्ड। डायकोटोमस कहते हैं जो दो ब्रांचेस एक से निकलती आती है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सिंगल ब्रांच जा रही है, इसमें से आगे दो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, फिर हर ब्रांच से आगे दो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, और हर आगे जितनी भी ब्रांचेस निकलती आ रही हैं उनसे आगे दो दो ब्रांचेस ही निकल रही हैं। तो इस तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि डायकोटोमसली, यानी कि एक ब्रांच दो मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है। इरेक्ट स्मूथ एरियल पार्ट्स, इरेक्ट मीन जो बिल्कुल सीधे होते हैं, स्मूथ जो टेढ़े मेढ़े नहीं होते बल्कि उनकी सरफेस जो है वो क्वाइट स्मूथ होती है, और एरियल पार्ट्स जो ज़मीन के बाहर हों। तो इनके जो एरियल पार्ट्स थे, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर बाहर की जानिब स्टेम वाले पोर्शंस थे, वो इरेक्ट भी थे, बिल्कुल सीधे थे, और इनमें डायकोटोमस ब्रांचेस थी, यानी कि एक ब्रांच से दो ब्रांचेस निकल रही थी। एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग सबट्रेनियन एंकरिंग, इक्वली स्ट्रॉन्ग यानी कि जितना उनका एरियल पार्ट स्ट्रॉन्ग था उतना ही उनका जमीन के नीचे मौजूद पार्ट भी स्ट्रॉन्ग था। सबट्रेनियन कहते हैं जो जमीनी हो, यानी कि जमीन के नीचे मौजूद हो, अंडरग्राउंड हो। एंकरिंग जो मजबूती दे या गाड़ के रखे, एंड एब्जॉर्प्टिव जो एब्जॉर्ब करे, राइजोम, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे एक राइजोम भी मौजूद है। इस राइजोम, ये राइजोम सबट्रेनियन था, यानी कि जमीन के पास मौजूद था, और इसमें एंकरिंग स्ट्रक्चर भी था, ये इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था एरियल पार्ट को एज अ रूट, लाइक अ रूट। और इसके अलावा ये एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर भी था, ये जमीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर हमारे पास अर्ली वास्कुलर प्लांट्स में एक एग्जांपल आ जाती है प्लांट की, जिसे हम कोक्सोनिया कहते हैं। कोक्सोनिया का सेम स्ट्रक्चरल लेआउट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल लेआउट से मुराद ये है कि जैसी स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे डिस्कस की, बिल्कुल वैसी ही स्ट्रक्चर कोक्सोनिया में मौजूद है। ये भी इसका सबट्रेनियन पार्ट है, इसमें भी राइजोम है, और इसमें भी स्मॉल साइज है। नेकेड स्टेम विदाउट लीव्स, इसका जो स्टेम था वो, उसके ऊपर लीव्स मौजूद नहीं थे। स्टार्टेड टू फॉर्म आउटग्रोथ्स लीव्स, स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ्स, इसमें पहले छोटे छोटे लीव्स बनना शुरू हुए थे, और वो लीव्स आउटग्रोथ की फॉर्म में या स्केल की फॉर्म में थी, बारीक बारीक थे और स्केल्स की फॉर्म में मौजूद थे। नॉट सप्लाइड विद वास्कुलर टिश्यूज, नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रू लीव। अब इनमें लीफ का बिल्कुल स्टार्ट था, तो स्टार्टिंग में वास्कुलर सप्लाई लीव्स में मौजूद नहीं थी, और वो स्केल लाइक थे, बहुत ही बारीक बारीक थे, और इनमें ट्रू लीव्स नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लीफ के अंदर हमें पता है कि पूरी वास्कुलर सप्लाई मौजूद होती है ट्रू लीव में। फिर इसके बाद लाइकोपोड्स, लाइकोपोड द फर्स्ट प्लांट्स फॉर्म ट्रू लीव्स एंड रूट्स। लाइकोपोड्स पहले पौधे थे जिन्होंने ट्रू लीव्स और रूट्स बनाई थी, यानी कि इनमें पहला प्लांट जिसके अंदर लीफ और रूट बनी, वहां से या बनना स्टार्ट हुई, उसको हम लाइकोपोड्स कहते हैं। लाइकोप्सिडा के प्लांट्स को हम लाइकोपोड्स कहते हैं जी। फिर लीव्स भी दो तरह के बने हैं या बनते हैं, एक लीफ को हम माइक्रोफिल कहते हैं और एक लीफ को हम मैगाफिल कहते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, फिल फॉर लीफ। माइक्रोफिल आर द स्मॉल लीव्स, दे आर सिंगल अनडिवाइडेड वेन, इनमें एक ही वेन होती है, यानी कि वास्कुलर सप्लाई होती है, और वो अनडिवाइडेड होती है, वो डिवाइड नहीं हुई होती। जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा एक लीफ है, इसका साइज छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही वेन मौजूद है, और ये वेन वास्कुलर बंडल्स इसमें मौजूद हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसे हम माइक्रोफिल कहते हैं, छोटा लीफ।
इसकी एग्जांपल में लाइकोपोडियम आ जाता है कि लाइकोपोडियम में ऐसे पत्ते पाए जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग प्लांट्स में पहले माइक्रोफिल बने थे, उसके बाद जैसे जैसे प्लांट इवॉल्व होते गए तो माइक्रोफिल भी मेगाफिल में चेंज हो गया। मेगाफिल आर द लार्ज लीव्स, दे आर हैव डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स, दे एक्सपेंडेड ब्लेड और लैमिना, एग्जाम्पल फर्न्स एंड सीड प्लांट्स। अगर हम मेगाफिल की बात करें तो अगेन मेगा का मतलब होता है बड़ा, फिल फॉर लीफ, लीव लार्ज लीव्स हैं, इसमें बड़े बड़े पत्ते हैं, ये बड़े पत्ते होते हैं, और डिवाइडेड वेन एंड वेनलेट, इनमें जो वेन्स होती हैं वो मज़ीद डिवाइड होके छोटी छोटी वेनलेट्स बना देती हैं और आगे से आगे वेन्स निकलती आती हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक लीफ है जो कि पिछले लीफ की नस्बत थोड़ा सा बड़ा है और इसमें एक वेन काफ़ी सारी वेन्स में और वेनलेट्स में तब्दील हो चुकी हैं, डिवाइड हो चुकी हैं। इसमें एक एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड है, लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं इस स्ट्रक्चर को जो हम देख रहे हैं, ये सारा ग्रीनिश हिस्सा, ये इसका लैमिना है या सरफेस एरिया है। तो लीफ ब्लेड या लैमिना इसमें मौजूद है और इसके अलावा ये एग्जांपल है जी फर्न्स की और सीड प्लांट्स की, यानी कि सीड प्लांट्स और फर्न्स में ऐसे लीव्स पाए जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल की बात करें तो ये प्रिमिटिव सिलोप्सिड्स में स्टार्ट हुई थी, जो कोक्सोनिया हमने रिसेंटली पढ़ा उसके बारे में हमने बात की, और अर्ली वास्कुलर प्लांट्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो वो सिलोप्सिड्स हैं, और प्रिमिटिव सिलोप्सिड्स यानी कि वो सिलोप्सिड्स जो कि स्टार्टिंग में अभी बने थे, उनमें डायकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद था। और ये बात भी अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की है कि डायकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम अर्ली वास्कुलर प्लांट्स में मौजूद था, उनके साइज छोटे थे और उनमें एरियल सिस्टम मौजूद था। तो अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स अगो पहला मेगाफिल लीव जो है वो बना था, यानी कि आज से 350 मिलियन साल पहले पहला मेगाफिल बना था। और मेगाफिल बनने के दौरान देयर वाज अ लॉट ऑफ सक्सेसिव एवोल्यूशनरी स्टेप्स जो कि स्टेप बाय स्टेप हुए, और उसके बाद फिर एक पूरे का पूरा मेगा लीफ बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जी ओवरटॉपिंग, दूसरा प्लेनेशन, तीसरा फ्यूजन या फिर वेबिंग। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा रिकॉल करें तो अभी रिसेंटली हमने एक डायग्राम देखी थी कोक्सोनिया की, ये उससे कुछ मिलती जुलती डायग्राम है। ये भी डायकोटमस है, यानी कि एक ब्रांच से दो ब्रांचेस और फिर उससे अगेन दो और उनसे नेक्स्ट दो दो, हर ब्रांच से आगे दो दो ब्रांचेस निकलती आएंगी। फिर इनमें ओवरटॉपिंग हो गई, यानी कि कोई एक आधी ब्रांच उसमें से ऊपर बड़ी हो गई बाकी ब्रांचेस की निस्बत, पहले ये सारे बराबर थे, अब ये कोई एक आधी बड़ी हो गई है। फिर प्लेनेशन, ये डिफरेंट प्लेन्स में या जो है जी ग्रो कर रहे थे, अब ये एक ही प्लेन में ग्रो करने लगे। और लास्ट एंड फाइनली वेबिंग, के इन छोटी छोटी शाखों के दरमियान वेबिंग या फ्यूजन होने लग गई सेल्स की, एक वेब की तरह, जाल की तरह यहाँ पर इन्होंने इकट्ठे होना शुरू कर दिया और लीफ बना दिए, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब इन स्टेप्स को हम मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरटॉपिंग, इट इज द अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस ब्रांचेस। इसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस अनइक्वली ग्रो कर जाती हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि ये पहले डायकोटोमसली ब्रांच पार्ट्स हैं और वो अनइक्वली ग्रो करने लग गए हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? डायकोटोमसली ब्रांच एरियल पोर्शन ऑफ स्टेम शोड एन इक्वल ब्रांचिंग। जो स्टार्टिंग के प्लांट्स थे, जैसे कि ब्रायोफाइट्स के बाद जैसे ही अर्ली वास्कुलर प्लांट्स आए जिसमें सिलोप्सिड्स शामिल हैं, उनमें एरियल पोर्शन जो था वो डायकोटोमसली ब्रांच था और उसमें इक्वल ब्रांचिंग थी, यानी कि कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच से ऊपर नहीं थी, सारों का ऊपर से एक ही लेवल था। और ये इनमें डायकोटोमस ब्रांचेस थी, एक ब्रांच से दो अराइज हो रही थी और ओवरऑल सरफेस सबकी बराबर थी। जैसे हम गोभी का फूल देखते हैं तो उसमें ओवरऑल सरफेस बिल्कुल बराबर होती है। सम ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट, कुछ ब्रांचेस इसमें से शॉर्ट रह गई, वाइल अदर ग्रू एंड एक्सपेंडेड एट अ मच फास्टर पेस। लेकिन कुछ ब्रांचेस जो हैं वो फौरी तौर पे ग्रो की और ग्रो करके इन्होंने इलोंगेट होना शुरू कर दिया, ओवर टॉपिंग करनी शुरू कर दी।
फिर इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो होने लगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं और डायकोटोमस पैटर्न जो है वो खत्म हो गया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है प्लेनेशन। प्लेनेशन इज द अन अरेंजमेंट ऑफ अन इक्वल डायकोटोमीज इन वन प्लेन, यानी कि पहले जो हमारे पास अनइक्वल डायकोटोमस थी वो अब अरेंज हो रही हैं एक ही प्लेन में। और जब ओवरटॉपिंग हुई थी तो ओवरटॉपिंग होने के बाद यहाँ पर कुछ ब्रांचेस ऊपर हो गई थी, कुछ नीचे रह गई थी। फिर उसके बाद प्लेनेशन हुई तो सारों ने एक ही प्लेन में यानी कि अपर प्लेन की तरफ को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, इसे हम प्लेनेशन कहते हैं। फ्यूजन या वेबिंग, द स्पेस बिटवीन ओवरटॉप डायकोटोमस ब्रांच्ड ऑक्यूपाइड बाय अ शीट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो हमारे पास डायकोटोमस ब्रांचेस की हमने भी बात की थी जो ओवरटॉप हुई थी, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डायकोटोमसली ब्रांचिंग स्टेम हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें इक्वल ब्रांचेस हैं और इनमें वास्कुलर टिश्यूज भी मौजूद हैं। फिर मेन स्टेम लॉन्गेट हो गया ओवरटॉपिंग के दौरान और कुछ डायकोटोमस एंड ब्रांचेज जो हैं वो बारीक हो गई हैं और दूसरी साइड को मोल्ड हो गई हैं। फिर इनकी प्लेनेशन हुई, सारी ब्रांचेज एक ही प्लेन में ग्रो करने लगी और इनके दरमियान में यहाँ पर पैरेन्काइमेटस टिश्यू साथ साथ अटैच होने लग गए और ये यहाँ पर साथ साथ इनके एक शीट बनती गई। कनेक्टेड दीज ब्रांचेज फॉर्मिंग अ फ्लैट लेमिना और लीफ ब्लेड टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर। जब ये आपस में अटैच हुए तो अटैच होने के बाद इन्होंने एक लीफ ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर बना दी जिनके अंदर डायकोटोमसली ब्रांच्ड वेन्स मौजूद थी, यानी कि पैटर्न वही रहा कि डायकोटोमस एक में से दो रेज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब इनके इर्द गिर्द पैरेन्काइमेटस सेल्स आपस में अटैच हो चुके हैं और अब ये ब्रांचेस जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं इनटू अ मेगाफिल लीफ जिसमें बहुत सारी ब्रांच्ड वेन्स मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।